और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। यहाँ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड यानी कि DMF से करोड़ों रुपए के काम जिला पंचायत परिषद में शुरू होने थे, एक साल तक काम नहीं हुए तो ये सारी की सारी राशि लैप्स हो गई। वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पेड़ पौधों और ट्रांसफार्मर ने ये सारे काम रोक दिए। अधिकारियों ने उस जगह के लिए कामों को मंजूर किया जहां मटेरियल पहुंचाना आसान नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। पेड़ पौधों ने रोक दिए 1 करोड़ के काम। जिला पंचायत आखिर क्यों हुई नाकाम? बिलासपुर के जिला पंचायत परिसर में गढ़ कलेवा गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। इसके पास ही गढ़ कलेवा की नई बिल्डिंग बननी थी, सामुदायिक भवन, पब्लिक टॉयलेट और प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होना था। DMF के तहत करीब 1 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन जब 1 साल तक काम ही नहीं हुआ तो ये राशि लैप्स हो गई। ये बिलासपुर के जिला पंचायत दफ्तर की तस्वीर है और ये जगह जो है गढ़कलेवा के लिए चिन्हित किया गया है। कुछ सालों तक जो है यहाँ गढ़कलेवा का जो है निर्माण भी हुआ था और यहाँ काफ़ी सारे जो देसी व्यंजन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, उनका आवंटन, वितरण और तमाम तरह की जो गढ़कलेवा को लेकर के जो निर्देश थे शासन के, वो सब कुछ वितरित हुआ। और आखिर क्या वजह है कि राशि लैप्स हो गई? विस्तार न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो बड़ा खुलासा हुआ। विकास कार्यों पर रोक क्यों है ये भी जान लीजिए। उस जगह स्वीकृति दी गई जहां मटेरियल पहुंचाना ही मुश्किल है। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने कलेक्टर को इसके बाबत पत्र भी लिखा। परिसर में पेड़ पौधे होने की वजह से काम शुरू नहीं हुआ। बबूल, गंगा इमली, महानीम और करंज के पेड़ों को हटाना जरूरी है। परिसर में मौजूद ट्रांसफार्मर भी काम में बड़ी बाधा है। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने काम करने में लाचारी दिखाई। कलेक्टर ने काम रद्द कर राशि को लैप्स कर दिया। 1 साल से काम अटके हैं और अब राशि ही लैप्स हो गई, जबकि ये जिला पंचायत दफ्तर आने वाले हजारों लोगों की जरूरत के काम है, जिनके बिना लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आज जिला पंचायत आया हूँ। यहाँ बोले तो गढ़कलेवा नहीं है, कचड़े का ढेर लगा हुआ है, साफ सफाई का कोई ठिकाना नहीं है। किसी कर्मचारी के इंतजार करते हुए यहाँ गर्मी में बैठे हैं। कम से कम वहाँ चाय पीने का, नाश्ता करने का जगह होना चाहिए, इसमें हम लोग 10 मिनट इंतजार करके चाय पी सकते। यहाँ तो साफ सफाई नहीं है। जिला पंचायत, कलेक्टर ऑफिस, यहाँ कचरा पड़ा है, दुनिया सभी से पूछ लीजिए। मैं एक जने आदमी नहीं हूँ और कुछ कैंटीन उन्टीन चाय पानी की व्यवस्था भी नहीं है। आते हैं इतना दूर से कम बैठ के आराम करें, ऐसा भी कुछ नहीं है। पेड़ पौधा पूरा छाया हुआ है और बिल्डिंग कुछ भी साफ सफाई नहीं रहता है। अब इन विकास कार्यों के निर्माण का मामला उलझ चुका है, लेकिन जिला पंचायत के अधिकारी मामले को टालने में जुटे हुए हैं और कैमरे के सामने ये बताने में जुटे हैं कि जल्द ही गढ़कलेवा पब्लिक टॉयलेट जैसे काम शुरू हो जाएंगे। कलेवा संचालित रहा है हमारे यहाँ से, तो वो बिल्डिंग के पास एक नया बिल्डिंग बनना है। ऐसे जो गढ़ कलेवा या हमारे जो स्थानीय व्यंजन है वो वहाँ उपलब्ध रहे, हमारे जो हितग्राही आते हैं या माननीय जनप्रतिनिधि या आम नागरिक के लिए उसके हिसाब से, और पब्लिक के लिए वहाँ इस परिसर में बाहर में एक शौचालय की आवश्यकता महसूस हो रही थी, तो वो भी बनने का है, पब्लिक टॉयलेट के लिए है। अब सवाल ये है कि जब राशि ही नहीं है तो फिर काम शुरू कैसे होंगे? क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है जिसकी वजह से करोड़ों का काम अटक गया? आखिर कामों की स्वीकृति देने के पहले बारीकी से जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? कोई बाधा तो नहीं है, और बाधा थी तो फिर उसे दूर करने में कोताही क्यों बरती गई? तो सोचने वाली बात है कि आने वाले दिनों में क्या कलेक्टर साहब ऐसी स्थितियों को देखकर DMF के उस फंड को लेकर पुनः संचालित करने का, पुनः जो काम ठप पड़ चुके हैं, जिन कामों को उन्होंने निरस्त कर दिया है, उनके कामों को वो फिर से अनुमति देते हैं, या फिर ये तस्वीर इसी तरह दिखते रहेगी जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और हम आप देख भी रहे हैं इस स्पॉट पे खड़े होकर। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।